सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके पास रेडमी का कोई सा भी मॉडल होता है, आप लोग उसमें स्पैम कॉल को यानी कि फ्रॉड कॉल को आप लोग बंद करना चाह रहे हो, डीएक्टिवेट करना चाह रहे हो, तो कैसे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। आज के दौर में कई सारे यहाँ पे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप लोग भी चाहते हो कि अपने फ़ोन में जो स्कैम कॉल होती है, स्पैम फ्रॉड कॉल होती है, उसको किस तरीके से बंद करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपने फ़ोन का डायलर को ओपन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। डायलर ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कई सारे इंटरफेस नज़र आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है थ्री लाइंस, आपको थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखने को मिलता है सेटिंग, सेटिंग का आइकन, इस पर आपको टच मार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने कई सारे इंटरफेस नज़र आ जाते हैं, आपको यहाँ पे नीचे ऊपर कहीं भी देखना है कॉल आईडी या फिर कॉलर आईडी एंड स्पैम, ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर ही शो हो जाती है। अदरवाइज आपको ऊपर नहीं आ रहा तो नीचे देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर ही दिखा देता हूँ, कॉलर आईडी स्पैम है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ऑफ रहता है तो उसको ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन रहने के बाद आपको इसको ऑन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे फिल्टर स्पैम कॉल, इसको भी यहाँ से ऑन कर देंगे। कोई भी फिल्टर कॉल आएगी तो यहाँ से फिल्टर होती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग बड़े आसानी तरीके से आप लोग स्पैम कॉल यानी कि फ्रॉड कॉल को आप लोग यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट करेंगे, कमेंट का मैं जल्द से रिप्लाई देता हूँ। बस यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।